नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का आज पांचवा दिन है। पांचवें दिन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ की है। जानकारी के अनुसार ये तोड़फोड़ शिवसेना सांसद संजय राउत की चेतावनी के कुछ घंटों के बाद की गई। विधायक के घर हिंसा के बीच शिंदे ने कहा है कि विधायकों की सुरक्षा हटा दी गई है, अगर उनके परिवार को कुछ हुआ तो उसके लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। इधर इसी सियासी हंगामे को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के करीबी दीपक केसरकर ने बताया कि गुवाहाटी में बागी विधायकों ने शिवसेना बाला साहब नाम से नए गुट बनाने की घोषणा की है। वही गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में विधायकों की बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने 38 विधायकों की सूची जारी की है। इससे पहले शिंदे ने 23 जून को 34 शिवसेना विधायकों की सूची जारी की थी। देखा जाए तो महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए एकनाथ शिंदे को सिर्फ 37 शिवसेना के विधायकों की जरूरत है। वही गुवाहाटी में 2 बजे बैठक के बाद शिंदे समूह के प्रवक्ताओं के नामों की घोषणा होने की भी संभावना है। दीपक केसरकर, दादा भूसे, भरत गोगावले, बच्चू कड़ू को प्रवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। वही आज गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री या गृह मंत्रालय ने राज्य के किसी भी एमएलए की सुरक्षा हटाने के आदेश नहीं दिए गए हैं। इस संदर्भ में ट्वीट करके लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाले हैं। मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है और सभी पुलिस थानों से शहर के सभी राजनीतिक कार्यालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। क्षेत्र में लाठी, हथियार, पोस्टर जलाना, पुतला जलाने पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान नारे लगाने या स्पीकर पर गाने बजाने की भी अनुमति नहीं होगी। इसके कुछ वक्त पहले ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसाने वाला बयान दिया है। संजय राउत बोले, शिवसेना आग है, आग से मत खेलो, हम चुप है इसका मतलब नामर्द नहीं है, शिव सैनिक भड़के तो सब कुछ जल जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारी पार्टी खून से बनी हुई पार्टी है, आइए आप महाराष्ट्र में किसमें कितना दम है ये आपको पता चल जाएगा। जनता में आक्रोश है और गुवाहाटी में बैठे लोगों को ये दिख नहीं रहा है। अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी, आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, इसमें कितना दम है वो पता चलेगा। मिली जानकारी के अनुसार बागी विधायकों की सुरक्षा हटाए जाने पर एकनाथ शिंदे ने आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत और आदित्य ठाकरे होंगे। मिली जानकारी के अनुसार उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार शाम शरद पवार के साथ 2 घंटे मीटिंग की है। इसके बाद उन्होंने शिवसेना के नगर सेवकों को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ दिन पहले जब मुझे बगावत का शक हुआ तो मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया और कहा कि शिवसेना को आगे ले जाने का अपना कर्तव्य निभाओ, ऐसा करना सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि एनसीपी कांग्रेस हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है और विधायक चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ जाए। मैंने उनसे कहा था कि जो विधायक ऐसा करना चाहते हैं उन्हें मेरे पास लाओ। भाजपा जिसने हमारी पार्टी, मेरे परिवार को बदनाम किया है, वही है जिसके साथ जाने की आप बात कर रहे हैं। ऐसा सवाल ही नहीं उठता। विधायक अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो वो सभी जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा। अगर कोई जाना चाहता है, चाहे वो विधायक हो या कोई और, आओ और हमें बताओ और फिर जाओ। अब तक नरम रुख अपना रहे उद्धव ठाकरे ने अब बागी विधायकों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। उद्धव गुट ने शुक्रवार को 16 विधायकों को आयोग ठहराने की चिट्ठी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को भेजी है। शिवसेना की लीगल टीम भी विधानसभा पहुंची है। वही इस संबंध में सरकार ने एजी को भी तलब कर दिया है। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।